डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का आरोप है कि उन्हें न्याय यात्रा रोकने को लेकर जान से मारने की धमकी मिल रही है। दरअसल निशा बांगरे अपने इस्तीफे की मांग को लेकर आंवला से भोपाल तक की पैदल न्याय यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को पूरे 4 दिन हो गए। यात्रा के तीसरे दिन डिप्टी कलेक्टर ने अपने समर्थकों के साथ सारणी में खुले आसमान के नीचे रात बिताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा को रोकने के लिए उनके साथियों को धमकी दी जा रही है, गोली मारने सहित ट्रक और डंपर से कुचलने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए निशा ने कहा कि शिवराज मामा लाडली बहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक महिला को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। यदि कोई घटना होती है तो इसके लिए शिवराज मामा ही जिम्मेदार होंगे। अभी हम रात के 12:10 पे पुलिस थाना सारणी में खड़े हैं। जैसा कि मैंने आज सुबह ही बताया था कि 2 दिन से 2 संदिग्ध लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और आज वो 2 लोग हमारे पीछे पीछे गांव में वीडियो बनाते हुए पकड़ा भी गए। मैं गांव जा रही थी, मेरे पीछे एक व्यक्ति था, मैंने पूछा आप कौन है बताइए, वो वहां से भाग गया। अब जब मैं FIR दर्ज करवाने के लिए रात के 12 बजे यहाँ पुलिस थाना सारणी में खड़ी हूँ तो यहाँ के पुलिस ड्यूटी ऑफिसर और TI जो है मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और हमें हमारी यात्रा को 9 तारीख तक भोपाल पहुंचना है। अब आप ये देखिए कि कोई महिला जो है वो सड़क पर जा भी नहीं सकती, उसके आगे पीछे ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है कि वो डर जाए, तो और हमारी बताने के बाद भी उस पर FIR दर्ज नहीं की जा रही है। तो कितना दुखद विषय है कि भारत देश का लोकतंत्र आज की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि FIR तक दर्ज नहीं हो रही है और ये अन्याय सिर्फ प्रशासन अभी तक कर रहा था, पुलिस भी अब हमारे साथ हमें डरा धमका कर हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी यात्रा को रोकने की धमकी दी थी और आज FIR नहीं दर्ज की जा रही है। तो जिस पुलिस को हमें सुरक्षा देनी चाहिए आज वो हमारी यात्रा को रोकने की धमकी दे रही है। तो अब आप बताइए कि ऐसे में इस भारत देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। अभी तक तो हम राजनीति में जाने की बात कर रहे थे, अब तो हम सड़कों पे भी नहीं चल सकते, तो हम ऐसे में हम कहां न्याय मांगने जाएं। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, हमें सड़क पर सोना पड़ रहा है, रात के 12 बजे हमें थाने में आना पड़ रहा है, हमारी FIR नहीं दर्ज हो रही है, मेरा तत्काल इस्तीफा स्वीकार करें, नहीं तो हम हमारे छतरपुर के लवकुश नगर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने गुरुवार से पदयात्रा शुरू की थी और 9 अक्टूबर को वो भोपाल पहुंचेंगी। बता दें कि निशा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन इस्तीफा मंजूर ना होने के चलते उन्होंने न्याय यात्रा के जरिए सरकार से मांग की है कि वो उनके इस्तीफे को स्वीकार करे। साथ ही हाईकोर्ट ने भी सरकार को फैसला लेने के लिए 10 तारीख का वक्त दिया है। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, MP तक।